हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एकदम पुराने तरीके से हम प्राइम्स को रोस्ट करेंगे। ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिर भी दिमाग में रहता है कि पता नहीं ये फूलेंगे नहीं फूलेंगे। ऑयल में जैसे हम फ्राई करते हैं एकदम फूलना शुरू हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, इतने अच्छे से फूल भी जाते हैं और क्रंच भी सेम वैसा ही आता है जैसे हम ऑयल में इसे फ्राई करते हैं। तो हेल्दी भी है ये इस तरह से। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी प्राइम्स को आज पुराने तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कलरफुल इस तरह से प्राइम्स ले लिए हुए हैं, तो बनाना अब स्टार्ट करते हैं इसे। एक मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैं एक कटोरी नमक ऐड करूँगी और नमक को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऐसे थोड़ा सा फैला लेते हैं इसे और इसे हम थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और ये देखें कलर थोड़ा चेंज भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा डार्क हो जाए जैसे नमक एकदम ब्राउन कलर में आ जाता है। तो अब हम इसमें प्राइम्स डाल देंगे, नमक हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और ये हमने प्राइम्स डाल दिए थोड़े अभी, अब हम इसे हिला लेते हैं और थोड़ी गैस की फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि एकदम से ये फिर जल जाते हैं। और देखें कितने अच्छे से फूल भी गए हैं, बस थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे। ऐसे ही है ना, एकदम इजी तरीका। और ये देखें कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। और ऐसे एक हम छन्नी ले लेते हैं, उसमें डाल देंगे क्योंकि जितना भी इसका नमक है वो निकल जाएगा। और देखिए कितने अच्छे से रोस्ट भी हो चुके हैं और फूल भी चुके हैं, तो है ना एकदम इजी तरीका आप हमें इसे रोस्ट करने का। और नमक को हम जितनी बार चाहें उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ऑयल को हम एक दो बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसे ज़्यादा हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, ऑयल को फिर ख़राब हो जाता है। और नमक को हम जितना चाहें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने और डाल दिए प्राइम्स को, इन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और ये देखें जी कितने अच्छे से फूल भी चुके हैं। और ये देखें जी हमने प्राइम्स को रोस्ट कर लिया है और कितने अच्छे से फूल भी चुके हैं। और ये देखें क्रंच भी वैसा ही है जैसे फ्राई करने से आता है। तो है ना सच में मज़ेदार इजी तरीका इसे ऐसे हमें रोस्ट करने का। एक तो हेल्दी भी हैं, इसमें हम ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका मन चाहे बच्चों को आप बना के इस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी इसे इस तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, अब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा इस तरीके से प्राइम्स को रोस्ट करना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।